हाय, हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BAPAH का कोर्स कोड BPSC 105 का चैप्टर नंबर 3 ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में जाना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक सर्विसेज का जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, ठीक है, वो मेनली किस तरह से चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंजिंग दी नेचर ऑफ दी पॉलिटिकल सिनारियोस। ओके, पॉलिटिकल सिनारियोस एज वेल एज दी इको सोशियो, ऑल दी सिनारियोस आर चेंजिंग एंड दी स्टेट बिकमिंग मॉडर्न स्टेट। ओके, दैट्स वाई दी कॉम्प्लेक्शन ऑफ दी पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो गेट चेंजिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं और इसको समझते हैं हम डिटेल में। देखिए, इन द व्यू ऑफ द ग्रोविंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंटल टास्क। देखिए अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंटल टास्क में गवर्नमेंट अलग अलग टास्क ले रही है क्योंकि अभी वेलफेयर स्टेट बने हैं तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी टास्क आए हैं। ठीक है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं हम, और ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ रही है तो उसका जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और वो क्या हो रहा है, ग्रोविंग भी है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है। द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एक्वायर नॉलेज ओके इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी गवर्नमेंट का टास्क चेंज हो रहा है तो अभी ये ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको भी अप टू डेट रखा जाए, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद सोशल बिहेवियरल साइंस, मॉडर्न टूल्स ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब का नॉलेज एक एडमिनिस्ट्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अलग अलग टाइप का जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, ठीक है, इसी के वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑब्जर्व दैट द रोल ऑफ जनरलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन इज लूजिंग इट्स वैलिडिटी इन सेवरल फील्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनरलिस्ट का मतलब क्या होता है। जनरलिस्ट का मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट में जो टॉप पोजीशन के जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि IAS अधिकारी भी हो गए, उनको जर्नलिस्ट बोला जाता है। मेनली क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो सभी फील्ड के बारे में जानते हैं, इसलिए उनको जर्नलिस्ट कहा गया है। तो क्या बोलता है इसमें, जो पहला फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था उन्होंने कहा था कि जो जर्नलिस्ट नेचर है, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अभी उस वो जर्नलिस्ट नेचर अभी जरूर अभी उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, दिस इज एन इनइविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। ये क्यों उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, साइंस एंड टेक चेंज हो रहा है, इसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है उसमें भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें अप टू डेट रखना पड़ेगा किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू चैलेंज ओके ऑफ द चेंज दैट द पब्लिक सर्विस हैव टू फेस द लेटर कैनोट स्कैप टू कंपनसेशन, वन इज एडॉप्शन एंड अदर इज प्रोफेशनलिज्म। ओके, तो अभी हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक सर्विस है, उसके अंदर हमें ये चीज़ों को एडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, प्रोफेशनलिजेशन को लेके आना है, सो दैट दे विल मोर अप टू डेट विद द करंट सिनारियो। वेरियस फैक्टर लाइक चेंजिंग पॉलिटिकल सिनारियो, ग्रोविंग एस्पिरेशन ऑफ पीपल, डेवलपिंग स्केल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस, इंक्रीजिंग साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड एक्सपांडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर फोर्सिंग पब्लिक सर्विस टू एडॉप्ट इट्स एनवायरमेंटल चेंज एंड प्रोफेशनलाइज देमसेल्फ। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है इसमें, मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं कि देखिए सिनारियो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिनारियो चेंज हो रहा है, सिनारियो किस तरह से चेंज हो रहा है, आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमारे सामने ये उभर के आ रहा है। ठीक है,
तो इससे क्या हो रहा है, इससे अलग अलग जो भी वर्क है वो चेंज हो रहा है। तो इसीलिए जो पब्लिक सर्विस होता है उसको भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि सिविल सर्वेंट को बहुत प्रोफेशनलिज्म लेके आना है अपने अंदर, और मेन है उसको अप टू डेट रखना है विद दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल ए अलमंड, द पब्लिक सर्विस हैव टू परफॉर्म फंक्शंस आइदर इन कॉम्बिनेशन विथ पॉलिटिकल अथॉरिटीज, ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंडिपेंडेंटली और सिंगल हैंडली एंड ओपनली, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस को, जो पब्लिक सर्वेंट है उनको अपने जो भी काम है आइदर उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ करना पड़ेगा या उनको इंडिपेंडेंटली या सिंगल करना पड़ेगा, ठीक है। ही आइडेंटिफाइज 7 सच फंक्शन एंड कैटेगरीज देम इनटू इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन आर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन एज वेल एज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। द आउटपुट फंक्शन कंप्राइज रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशंस एंड रूल एडजुडिकेशन। फॉर डिस्चार्जिंग दिस फंक्शंस प्रॉपरली द पब्लिक सर्विस मस्ट एड्रेस देमसेल्फ टू टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वन फॉर म्यूचुअल कॉम्प्लियंस रेफरिंग टू अ इंटरनलिटी रिलेशनशिप एंड अदर ऑफ एडॉप्टेशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नैलिटी रिलेशनशिप, ओके। उनको इसमें ये बताया गया है मेनली कि जो पब्लिक सर्विसेज है उनको दो टाइप के रिलेशन मेंटेन करना है, अंदरूनी और बाहरूनी, ठीक है। दोनों टाइप के रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। इन ऑर्डर टू कोप विद दी कोलोजल फंक्शंस द पब्लिक सर्विस मस्ट एक्वायर एंड डेवलप एप्रोप्रिएट एंड एडेक्वेट कैपेसिटीज। अनलेस दे आर फुली इक्विपेड दे कैनॉट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ द प्रोग्राम, सच प्रोग्राम विच कैन लीड टू द वाइड गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड देयर रियलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि सिविल सर्वेंट अप टू डेट रहे, ठीक है। उसको उनको हर एक वो चीज़ जानना पड़ेगा जो आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ जानना जरूरी है, ठीक है। दे डेवलप एप्रोप्रिएट एंड एडेक्वेट कैपेसिटी, उनके अंदर एक एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, जो जरूर डेवलपमेंट है और अप टू द मार्क डेवलपमेंट है वो करना पड़ेगा और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, ओके। अनलेस दे आर फुली इक्विपेड, ओके, जब तक उनके पास कंप्लीट इक्विपमेंट नहीं आता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तब तक उनको अपने प्रोग्राम के साथ, ठीक है, उनके साथ अप टू डेट रहना है और जो करंट सिनारियो मेनली टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी मेंटेन खुद को रखना है। द पब्लिक सर्वेंट मस्ट अंडरटेक कैपेबिलिटी, ओके, जनरलाइजेशन प्रोग्राम्स, सच प्रोग्राम मस्ट एम एट इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क प्रॉपरली, ठीक है। विद द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेसिफिक नीड, पर्टिकुलरिस्टिक एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर एंड इथोस, ठीक है। उनको वाइल ऑन डूइंग देयर जॉब दे ऑल्सो हैव टू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क प्रॉपरली, ओके। उनको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, लोकल कल्चर हो और जो इतोस हो, ये भी उनको अपने जो भी एक्शन लेंगे उस समय ये चीज़ें भी उनको ध्यान में रखना है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, ओके। विद द ग्रोविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड द अदर कॉसी गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग, दे हैव टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बढ़ रहे हैं तो इसीलिए उनको कॉसी गवर्नमेंटल होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के साथ मिल के अब एक बीच में एक अपनी सर्विस एक अच्छी तरह से देना पड़ेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के बीच में रहते हुए, ओके। इट मीन्स नॉट कि दे विल ओनली टिल्ट वन साइड और अदर साइड, मेनली दे आर अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी एंड वाइल डूइंग देयर एक्शन दे मस्ट बी
मस्ट बी अवेयर ऑफ द लोकल कल्चर इथोस एंड पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट. ओके, ये सब चीज़ें उनको दिमाग में रखते हुए अपने एक्शन को एक प्रोफेशनली उसको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस चैप्टर का मेन कंक्लूजन कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखिए, द इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सर्विस इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की प्रॉपर जो फंक्शनरी होती है वो होती है पब्लिक सर्विसेज. द पब्लिक सर्वेंट आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. ड्यू टू द इंक्रीज इन द गवर्नमेंटल टास्क एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एक्टिविटीज, सिविल सर्विस आर इन्वॉल्व विथ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज़ ब्रॉट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस क्लोज टू द पीपल. ठीक है, देयर इज दस द नीड टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक सर्विस गवर्नमेंटल एंड पीपल. ओके, टिल नाउ द सिविल सर्वेंट हैव अडेयर टू द मॉडर्न ऑफ मोरालिटी, एनमिनिटी, कमिटमेंट, इम्पर्सनालिटी. Contemporary scenario call for the change-oriented bureaucracy. This unit has highlighted some of the aspects besides discussing the meaning, scope, role of public service. Okay, तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक टू शुरू करेंगे, ब्लॉक टू का चैप्टर नंबर वन. ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस ब्लॉक वन को कंप्लीट कर चुका है और ब्लॉक वन में हमने तीनों चैप्टर पढ़ लिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक टू स्टार्ट करेंगे. तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.